तो बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपके वीडियो स्पेशल बैच की मैं हिंदी चला रहा हूं, उसके बाद वहां पे जीएस टेस्ट भी आपको मिलने वाला है और आपके हिंदी के घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण संज्ञा सर्वनाम समास ये सारे लेक्चर वीडियो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो आप छात्रों के लिए बना दिए हैं। तो फॉलो करने के बस इतना करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सेज का लाभ निःशुल्क ले सकते हैं और साथ ही में आप उसकी फ्री में स्लाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं और पर्सनल एसएमएस थ्रू भी आप मुझे अपने डाउट क्लियर मुझसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी टीपीएससी वीडियो एग्जाम के लिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने अवेलेबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, भाई आप लोग आजकल लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक वीडियो नहीं मिल रही है और इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम इतना तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट आज का। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है। तो अब बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है, आपके सामने चार ऑप्शन है, कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि वो पाटलिपुत्र है, सिंपल सा है, पाटलिपुत्र नहीं है, बाकी कालीबंगन, रोपड़, लोथल क्या है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो था 14 जनवरी 1761, ठीक है, यहाँ पर डेट भी याद कर लीजिएगा, डेट से भी दिया हो वहाँ पर 1761, तो नॉर्मली सन याद करते हैं, ये 14 जनवरी 1761 है और ये युद्ध मैं बता दूँ कि अहमद शाह अब्दाली ने अवध के नवाब से मिलकर मराठों पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में जो था मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया। अब दोस्तों जो गदर पार्टी के गठन जिन्होंने किया था वो थे लाला हरदयाल जी, ठीक है, लाला हरदयाल जी ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी का गठन किया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी शिखर स्थित है, दोस्तों नंदा देवी शिखर जो स्थित है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और ये क्या है महान हिमालय का हिस्सा है, ये वहाँ पर है और यह हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये फैक्ट भी जान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, दोस्तों जो मानसून शब्द है वो बना है आपका अरबी भाषा से, ठीक है, भूगोल का क्वेश्चन है तो अरबी भाषा से हुई है और जिसका आपका होता है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और इसका प्रयोग उन हवाओं के लिए होता है जो वर्ष में दो बार अपनी दिशाएँ बदलती हैं, तो मानसून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो दोस्तों जो गंडक परियोजना है वो है आपका ऑप्शन ए बिहार व उत्तर प्रदेश की, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है और ये एक सिंचाई परियोजना जिससे आपका बिहार उत्तर प्रदेश लाभान्वित होते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, अब दोस्तों भारत में निर्वनीकरण मतलब यहाँ पर आपका है पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों का सूखना या जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन, तो राइट आंसर है दोस्तों नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण से आपका निर्वनीकरण का जो वनों का काटना उटना ये चीज़ होती है नगरीकरण के कारण ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था, तो काफ़ी एक बार मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन भी है, कई बार आया हुआ है, तो दोस्तों वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को संशोधन किया गया था, जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं, तो दोस्तों जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955 सभी अपराध क्या हैं, संज्ञेय हैं, जमानती हैं, समनीय है, कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है समनीय है, ठीक है, समनीय है ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब योजना आयोग तो खत्म कर दी गई है, उसके बाद नीति आयोग आ गई है, तो योजना आयोग जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो थे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही है, 1951 के मध्य ये योजना आयोग का आपका प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, अब दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, देखिए यहाँ पर माउस मॉनिटर प्रिंटर, तो हार्डवेयर क्या चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो एक्सेल सीट है वो हार्डवेयर नहीं है, कि सॉफ्टवेयर है, पार्ट है, सिस्टम आपका सॉरी सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं डाटा के लिए, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम से, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर छाता विधान, ठीक है, छाता विधान के नाम से भी इसको जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को, ये फैक्ट जान लीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग के लिए अभी ये नया नहीं रहेगा। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है, तो दोस्तों जो नौका दौड़ होती है वो संबंधित है ओणम से, ठीक है, ओणम,
और जो आपका ये ओणम है ये कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। जबकि पोंगल आपका तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है और बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो थी आपकी 2-3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। और इसमें जो गैस निकली थी, गैस से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस रिसाव हुआ था, तो ये भोपाल स्थित जो यूरेनियम कार्बाइड, नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर था। तो इसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने से हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो देश है आपका ऑप्शन डी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश है सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश के साथ बनती है, ये फैक्ट आप लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है, अब बताइए। तो चार धाम में दोस्तों पुरी, द्वारका, मानसरोवर, रामेश्वरम। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है मानसरोवर नहीं सम्मिलित है, जबकि आपके पुरी है, द्वारका है, रामेश्वरम है, ये आपके चार धाम में सम्मिलित है। और एक और क्या है, बद्रीनाथ। तो पुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इन चारों स्थलों पर जो क्या था कि 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा पीठों की स्थापना की गई थी, तो ये चार धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है दोस्तों, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है, काफ़ी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में भी आता है, तो ये है आपका तैराकी से, ठीक है, तैराकी से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है, तो दोस्तों जो क्रिकेट की एक गेंद होती है वो होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक, ये फैक्ट जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन का मूल नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कॉमन है, आप सभी को पता होगा। तानसेन का जो मूल नाम था दोस्तों वो था रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे। और ये अकबर के समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो जो दोस्तों जो ओएमआर सीट होती है, तो वो जांचा किसे जाता है, ओएमआर सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर राइट आंसर ये है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? अब दोस्तों जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो है आपका भगत सिंह से, ठीक है, भगत सिंह से ये संबंधित है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इंकलाब जिंदाबाद ये रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन इसका पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया, तो ये फैक्ट जान लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल जी ने की थी, लेकिन नारे के रूप में भगत सिंह थे। दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए, तो कहीं ऐसा डाउट आता है तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एक फसली कृषि विशेषता है, अब दोस्तों जो एक फसली कृषि विशेषता है वो किस प्रकार की कृषि की होती है? तो ये होती है दोस्तों व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है, ठीक है, एक फसली व्यापारिक अन्य कृषि की। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष है, तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो है आपका क्या है? तो राइट आंसर है वह दूरी जो एक प्रकाश वर्ष में तय करता है, ठीक है, राइट आंसर वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो ये है इसका राइट आंसर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि मॉक टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको आज ही मिले होंगे, और इसी प्रकार से मॉक टेस्ट आप लोग के लिए मैं डेली लाता रहूँगा। तो उम्मीद आपसे रिक्वेस्ट बस यही करता हूँ कि आप लाइक जरूर कर देंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी हल निकाला जाए, उसका नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन कर दिया जाए, तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सत्ता, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।